हरदोई में विकास के नाम पर नगर पालिका की तरफ से भले ही 100 करोड़ से ऊपर की रकम खर्च कर दी हो, लेकिन अंजाम वही पहले से भी बदतर है। आज मौसम ने करबट ली और थोड़ी सी ही बारिश में शहर की तमाम गलियां पानी पानी हो गई। घुटनों तक भरा पानी और बजबजाती नालियां सरकार के मंत्री के उस दावे की पोल ज़रूर खोल रही हैं, जब 4 साल बेमिसाल का दावा करके प्रभारी मंत्री ने 100 करोड़ से अधिक की रकम नगर पालिका की तरफ से खर्च करने और शहर को चकाचक करने का दावा किया था। बल्कि नगर पालिका ने तो शहर की सूरत नरक से भी बदतर कर दी है। बरसात से लोगों को गर्मी से निजात तो ज़रूर मिली, लेकिन जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। घरों में पानी भरने से लोग परेशान हो गए। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। यानी जब आते हैं आवास विकास, अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही हमें रोड से ही पानी मिल जाता है भरा हुआ। हल्की सी बारिश होती है यहाँ पर, रोडों पर पानी भर जाता है जिससे लोग घर के अंदर जाता है। और हम शिवरी जी के आज घर आए तो देखा घरों में पानी है, अंदर लोग बाल्टी से उलझ रहे हैं, कहीं पाइप मोटर माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। ये समस्या काफ़ी है, समस्या और दिक्कत है।